वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। और अगर बात की जाए तो यहां अयोध्या नगरी में हम लगातार पिछले एक महीने से हैं और यहां की साज सजावट जो आपको दिखाना चाहेंगे, इस तरीके से तैयारियों का आगाज किया गया है। उसके साथ चारों तरफ आप देख सकते हैं पूरा शहर जो है भगवामय हो गया है। तमाम चीजें जो है यहाँ पर देखी जा रही है, पूरी हर कोई आने वाला हर एक व्यक्ति को साज सजावट से जोड़ करके देखा जा रहा है। तमाम चीजें जो है यहाँ पर देखी जा रही, ये वो दिन है जिसका दिन हर किसी को इंतजार था। हर कोई जो है देखना चाह रहा था कि शुभ अवसर कब हमारे बीच में आएगा। कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और यही वजह है कि आज उस वचन बाध्य हो करके जिस तरीके से अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है, संपूर्ण रूप से चारों तरफ जो है सनातनमय देखा जा रहा है। चारों तरफ चार चीजें हैं। देखिए, आपको मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी किस तरीके से संत महात्मा यहाँ पर आ रहे हैं, मौजूद हैं। और चारों तरफ का जो रंगारंग कार्यक्रम है, ये पर्व केवल वो पर्व नहीं जो हम मात्र ये समझें कि एक रामोत्सव है, बल्कि ये पर्व वो महापर्व के बतौर देखा जा रहा है जहाँ 500 वर्षों का संघर्ष साफ तौर पर देखा जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से अगर चीजें दिखाना चाहें तो आप सुरक्षा के लिहाज से सारी चीजों को देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम चीजें जो है की गई है। चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, लोग बाहर से भी आ रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये सजावट है। मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ, ये वो रामपत इलाका लगता है जो पूरी तरह से भगवामय हो चुका है। चारों तरफ गीत गुनगुनाना, सारी चीजें जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। और यही वजह है कि आज इतनी भव्यता, सौमित्रता और एक वो संस्कृति को महसूस किया जा रहा है जो यकीनन इस बात की गवाही दे रहा है कि किस तरीके से सारी चीजें हो रही है। कहाँ से आए हैं? काशी से आए हैं। काशी से आए। अयोध्या नगरी कितनी बदली दिख रही है? पूरी बदल चुकी है, मानो ऐसा लग रहा है कि हम त्रेता युग में आ गए हैं एकदम से। त्रेता युग में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। 22 जनवरी का कितना इंतजार? बिल्कुल बेसब्री से इंतजार है और पूरा वातावरण राममय हो गया है अयोध्या का। अयोध्या का पूरा देश, पूरा भारत, दुनिया कोना कोना एकदम राममय हो गया है और पूरी दुनिया को जो है एक दीपावली मनाने का, एक रामनवमी मनाने का मौका मिलने जा रहा है। सब अति प्रसन्न है, अति उत्साहित है सब लोग। तो कैसे देख रहे हैं कि राम मंदिर एक तरफ बन रहा है और दूसरी तरफ अयोध्या का इतना विकास? बिल्कुल, राम मंदिर बन रहा है तो जिन लोगों के तमाम प्रश्न थे उनके उत्तर मिलने जा रहा है कि तमाम यहाँ पे पर्यटन और तमाम रोजगार मिलने जा रहे हैं, तो विकास तो होना, ये विकास दिख भी रहा, आपको भी दिख रहा होगा, पहले के अयोध्या अब के अयोध्या में, तो बिल्कुल विकास दिखेगा ही। आप कैसे देख रहे हैं सारी चीजों? ये एक तरीके से अयोध्या का पुनर्जन्म हो गया है। हम लोगों के वाराणसी में काशी धाम जब बना था उसके पहले के और आज में काफी परिवर्तन हो गया, तो हम अयोध्या को उसी तरीके से देख रहे हैं कि अब आने वाले समय में यहाँ पे भी जो है जो मासूम, जो एक तरीके से अयोध्या जो रो रही थी वो अब जागने लगी है। पहले की अयोध्या में और अब की अयोध्या में कितना अंतर? बहुत अंतर। पहले अयोध्या में रौनक ही नहीं थी, कोई आना नहीं चाहता था हमें। हम आज मेरी उम्र 37-38 साल हो गई, मैं कभी अयोध्या नहीं आया था जबकि हमारा घर यहाँ से कितना दूर होगा, लेकिन जैसे हुआ नहीं जाना है, सबकी इच्छा है, लोग आ नहीं पा रहे। पूरी अयोध्या को अपने राम मिल गए, अयोध्या वासियों को अपने राम मिल गए, तो बिल्कुल राम मिल गए। बिल्कुल, तो अयोध्या बदल चुकी है। अयोध्या का गली जो है कि जितने रोड हैं, अयोध्या के घर हैं, सब में एक रौनक सी आ गई है। अयोध्या वासियों में उत्साह आ गया है, वातावरण चेंज हो गया है, विकास की बौछार आ गई है, पूरा बदल सा गया है अयोध्या। आप कैसे देख रहे हैं सारी चीजों को, जो बदलाव हो रहा है अयोध्या में? देखकर बहुत अच्छा लगा, हर जगह फूलों से और अलग अलग तरीके से सजाने की कोशिश की गई है और बहुत सुंदर काशी अयोध्या लग रही है। पहले से बहुत बदलाव हो गया है। तो और क्या कुछ बताना चाहेंगे, कुछ गीत गुनगुनाना चाहेंगे प्रभु श्री राम के लिए? राम आ गए हैं, राम आ रहे हैं और पूरा देश ही गुनगुना रहा है, राम की ही गीत पिछले 2 महीने से सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। अरे राम रहेंगे तभी तो भारत। आपको एक और तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से पूरा राममय गलियां और राम भजन से प्रभु श्री राम को याद किया जा रहा है। प्रभु श्री राम को लेकर के सारी चीजें याद की जा रही है, सबको देखा जा रहा है, सारी चीजें हैं। लगातार मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस तरीके। कहाँ से आई है माता जी? हम लोग आए बाराबंकी से। कहाँ से? बाराबंकी से। दो आदमी निश्चित है, सत्य मत करो। बाराबंकी से आए। कहाँ के? सुनाइए। घर घर के जगाए, हम बदलेंगे जमाना, बदली है हमने अपनी दिशाएं, मंजिल नई तय करके दिखाए, धरती को स्वर्ग बनाए, ये हम बदले ए जमाना, घर
घर अलख जगाएंगे हम बदले ए जम जय श्री राम जय श्री राम। देखिए यकीन ये साफ तौर पर समझ आ रहा है महाराजा महाराजा चारों तरफ ये पूरी चीजें देखी जा रही है। कहाँ से आए मध्य प्रदेश ग्वालियर आज ये दिन आया है कैसे देख रहे हैं दिन को? बहुत शुभ घड़ी का दिन है। शुभ घड़ी का दिन है कभी सोचा था कि ये दिन आएगा? आइया हो क्या वो देखिए नारियों की जय जयकार हो रही है। बिल्कुल तो देखिए राम राज ये राम राज्य जो स्थापित हो रहा है अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी की काया पलट और काया पलट उस बात की गवाही दे रही है, उस 500 वर्षों के संघर्ष की गवाही दे रही है कि किस तरीके से सारी चीजें तमाम यहाँ पर देखने को मिल रही है। चारों तरफ हर्षोल्लास का मौसम है, चारों तरफ अगर मौसम के बदलाव को कहें तो इतना मौसम का बदलाव है, ठंड का सितम है, लेकिन उस बीच भी राम भक्त आने के लिए मान नहीं रहे। तप तपस्या संघर्ष के लिए जो प्रभु श्री राम जाने जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको सुविधाओं को की बात करूं तो आप देख सकते हैं जो अभी हाल ही में जो इलेक्ट्रिक बसेस को चलाया गया था उन बसों की भी आपको दिखाना चाहूंगी तस्वीरें किस तरीके से रोड पर लगातार वो देखने को मिल रही है, इससे सवारियां जा रही हैं, सवारियां भरी जा रही हैं, ये सारी चीजें हैं इस बात की। लगातार मैं इस बात को कह रही हूँ कि इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अयोध्या का विकास एक वो उदाहरण है जो साफ तौर पर इस बात को दर्शा रहा है कि अयोध्या नगरी की बदलाव की तस्वीर। राम भक्तों के लिए ये खुशी का दिन, यकीनन बरसों की तपस्या, बरसों का इंतजार, लेकिन जब वो दिन आ रहा है, जब वो दिन नजदीक है, मात्र 2 दिन का वक्त बचा है और उस बीच लोगों की खुशी साफ तौर पर जाहिर हो रही है। जगह जगह परिवर्तन हो रहा है, सुविधाओं से लैस अयोध्या नगरी को बनाया जा रहा है। चारों तरफ आप जो भीड़ भाड़ देख पा रहे हैं ये भीड़ भाड़ केवल प्रभु श्री राम के लिए आई है, प्रभु श्री राम को याद करते हुए आई है, क्योंकि कहा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बहुत संघर्ष अपनी जिंदगी में झेला, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर भक्तों की बात की जाए तो उन भक्तों ने भी उनको अपने घरों पर पहुंचाने के लिए, उनको अपने महल में विराजने के लिए बहुत संघर्ष खेला है। और जब वो ये दिन आया है तो यकीनन हर एक व्यक्ति के, हर एक राम भक्त के आंखों में आंसू भी है, वो भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। तमाम चीजें जो है वो सारी देखी जा रही है, तो यही वजह है कि तमाम चीजें जो हैं लगातार बदलाव की लहर है। आप हमारे साथ ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग हैं, कहाँ से आए हैं? हम पुणे से आए हैं। पुणे से आए हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से? सब लोग महाराष्ट्र से ही हैं? नहीं नहीं, हम लोग झारखंड से हैं। झारखंड से? आप कहाँ से? झारखंड से। झारखंड से आप? मैं महाराष्ट्र से। आज अयोध्या की बदलती अयोध्या कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है माता जी, सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, बहुत अच्छा भाव है। कितना जरूरी है हमारे साथ में लगातार स्टूडियो से दीपिका जी जुड़ी हुई हैं। दीपिका जी मैं आपसे कहूंगी कि वहां का नजारा क्या है, वहां पर कौन लोग हैं, उनसे भी चर्चा कराई जाए। भव्य दिव्य तारीख बेहद नजदीक है, तो ऐसे में ये पूरी अयोध्या नगरी की जो तस्वीर है यकीन मानिए कि अद्भुत नजर आ रही है। यहाँ राम की धुन में आपको सुनने, अयोध्या नगरी पूरी तरह से, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि सज चुकी है, सवर चुकी है। इसी दिन का इंतजार कितने सदियों से किया गया है और आज जब वो भव्य दिव्य तारीख बेहद नजदीक है तो ऐसे में पूरी अयोध्या नगरी की जो तस्वीर है यकीन मानिए कि अद्भुत नजर आ रही है। यहाँ राम की धुन भी आपको सुनने को मिलेगी, राम पर गीत भी सुनने को मिलेंगे। लेकिन आपने अब तक बड़े बड़े कवियों को सुना होगा, उनकी कविताओं को सुना होगा। आज हमारे साथ दो नन्हे कवि जुड़े हुए हैं, शिवांश और रुद्रांश। इनकी उम्र पर मत जाइए, यकीन मानिए कि अगले आधे घंटे ये जो कविताएं आपको सुनाने वाले हैं उससे आप सराबोर हो जाएंगे। शिवांश और रुद्रांश आप दोनों का न्यूज़ वन इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ सुनाने वाले हैं उसकी जानकारी दें और उसके बाद आपकी कविताओं को भी सुनते हैं। जय श्री राम। मैं एक सनातनी बच्चा होने के नाते पहले मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाऊंगा सनातन के ऊपर। हम सूर्य देव की प्रथम किरण, हम अटल हिमालय का हिमकरण, सागर की पहली बूंद है, हम नूतन है और पुरातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम वेद
हम वेद पुराणों के ज्ञाता, हम संस्कृत के हैं उद्दाता, हम विष्णु देव का सपना है, हम शुद्ध ब्रह्म की रचना है, हम विष्णु देव का सपना है, हम शुद्ध ब्रह्म की रचना है, हम कृष्ण की महिमा गाते हैं, हम राम भक्त कहलाते हैं, हम ओम नाद वाला स्वर हैं, हम विष पीते शिव शंकर हैं, हम नारद जी की भक्ति हैं और हनुमान की शक्ति हैं, राजा बलि का बलिदान है, हम शिवी और कर्ण का दान है, हमने शेरों के दांत गिने, बेरी को लगते लोहे चने, हम जी पतंजलि का योग ग्रंथ चिंतन है और चिरातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है। बहुत ही शानदार हिंदू सत्य, क्या बात है, हम दुनिया में सत्य सत्य है। मैं एक कविता सुना जाऊंगा सुनील जोगी के ऊपर। हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगा कर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण कुरान उठा कर कहते हैं, जो चली आ रही सदियों से हम वो अलमोल कहानी है, दुनिया में सच सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, हम ताजमहल की दीनारे, पावन गंगा की धारा है, ख्वाजा नवाज की चादर है, अमृतसर का गुरुद्वारा है, हम हिंदू महासागर का ज, हम हिमवी की ऊंचाई है, हम भीमसेन जूती का शर बिस्मिल्ला की शहर है, हम सूर्य देव का ज्योति कला शिव शंकर वाला डमरू है, जिस पर गिरधर नागर नाचे, हम वो मीरा के गुरु है, हम राम सरोवर का पानी, हम कश्मीर की केसर है, हम रामेश्वर द्वारिका पुरी, हम राम सेत के पत्थर, हम शंकर से विस्पाई है, सागर मंथन की अमृत है, दो अक्षर और नागमढ़ी, हम कामदेव के नायक है, जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे, हम उसे यमुना का पानी है, दुनिया में सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। धन्यवाद। बहुत ही शानदार, इनकी उम्र का जिस तरह से मैंने जिक्र किया था और उससे भी अद्भुत इनकी कविताएं हैं। ये तो सिर्फ एक झांकी है, अभी आधे घंटे आपको कितना मजा आने वाला है इनकी कविताओं से, ये यकीन मानिए। और अगली कविता की ओर मैं शिवांश आपसे समझूंगी, क्योंकि आपने सनातन पर कहा, अब मैं चाहूंगी कि कुछ प्रभु राम के लिए आप हमारे दर्शकों को सुनाए, उसके बाद आगे आपकी कविताओं को जरूर। कलयुग में कहीं जैसे पुण्य धाम नहीं थे, कलयुग में कहीं जैसे पुण्य धाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे, जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा जैसे ये कह रहे हैं इनके बाप नहीं थे, जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे, और जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा जैसे ये कह रहे हैं इनके बाप नहीं थे। 92 का वक्त चल रहा था तो हम लोग तो थे नहीं, लेकिन हमारे नाना हमारे नानी यही सपना लेकर अपनी आंखों में चले गए यहाँ से कि कभी राम मंदिर को बनता देखेंगे। नाना जी तो हमारे पहले ही एक्सपायर हो गए थे, लेकिन नानी जी 2021 में एक्सपायर हुई, तो हम देखिए आज उनका सपना पूरा हो रहा है। जैसे कि रेड फोर्ट है, ताजमहल है, ये हेरिटेज हमारी इंडिया की, लेकिन इन्हें हमने बनते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन जानते तो हैं कि इन्होंने बना था, लेकिन राम मंदिर को आज हम बनते हुए देख रहे हैं, और हम इस इतिहास के साक्षी रहेंगे कि हमने कोई हेरिटेज अपने आंख से बनते हुए देखा है। बड़ी बात, एक अद्भुत क्षण की साक्षी होने वाली है, एक अद्भुत क्षण की साक्षी होने वाली है। अच्छा शिवांश, आपको पता है कि राम मंदिर को लेकर राजनीति भी हुई है, सुना है आपने कुछ? हाँ, सुने हैं। उस पर कुछ सुनाएंगे? हाँ, सुनाएंगे। देखिए, जो राम मंदिर के ऊपर राजनीति हुई है, ये सिर्फ विपक्षियों के कहने की बात है। राम मंदिर का फैसला है तो कई विपक्षी कह रहे थे कि बीजेपी गवर्नमेंट को एक मुद्दा मिल गया चुनाव जीतने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, उसमें बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं, लेकिन विरोधियों को एक बात चाहिए। तो हम जो 2007 में सोनिया गांधी जी का बयान आया था कि राम काल्पनिक है, उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जो 100 योजन लांग गया, और जो उदयनिधि स्टालिन जी ने भी कहा था कि सनातन डेंगू मलेरिया है, तो मेरे जैसे छोटे बच्चे की चुनौती सुन ले, जो 100 योजन लांग गया, हम उसी देव के आराधक, जिसने सिंहों के दांत गिने, हम उसी वंश के संवाहक। देखिएगा, ये लगातार हमले हो रहे हैं, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए हैं जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए हैं उसी का जवाब शिवांश दे रहे हैं। जो 100 योजन लांग गया, हम उसी देव के आराधक, जिसने सिंहों के दांत गिने, हम उसी वंश के संवाहक, जिसकी हड्डी से वज्र बना अम्बोध अधीच के अंगदान,
जो टूट गया पर झुका नहीं, हम उस प्रताप के स्वाभिमान। कल उनकी डेथ एनिवर्सरी भी थी। तुम पन्ना, तुम झांसी रानी हाड़ी का हो, तुम शीशदान, शक्ति में हो वीर शिवा और हो रविंद्र के राष्ट्रगान, दृढ़ तपस्या हो ध्रुव समान, तुम अभिमन्यु का गर्व ज्ञान, विवेकानंद का गौरव और गुरु गोविंद सिंह का बलिदान, अशफाक उल्ला बिस्मिल तुम ही हो, भगत सिंह शेखर महान, और इतिहास तुम्हारे कदमों में, तुम गौरवशाली हिंदुस्तान। इस अंतर निहित अंतर तप का अंतर ज्ञान शुरू होगा, इस अंतर निहित अंतर तप का अंतर ज्ञान शुरू होगा, तारुण्य ताप की ताकत से भारत विश्व गुरु होगा। आप क्योंकि भारत जिस तरह से अग्रसर हो रहा है, आगे तरक्की की ओर बढ़ रहा है, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है, लोगों का कहना है ऐसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, एक और विपक्ष की ओर से भी कई तरह के हमले किए जा रहे हैं। मैं ऐसे में समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या नगरी में बदलाव हो रहा है, राममय हो रही है अयोध्या नगरी, उसका आप किसको बदलाव की एक बड़ी वजह मानते हैं? अभी जब हम लोग छोटे थे तो अयोध्या में ऐसा कुछ नहीं था, देखने लायक मंदिर तो थे ही लेकिन ऐसा कुछ देखने लायक नहीं था। जब मोदी जी की सरकार आई, और एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि अच्छों को बुरा कहना दुनिया की पुरानी आदत है, जब मोदी जी की सरकार आई तो इन्होंने बदलाव करना शुरू किया। मैं मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, और योगी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, राज्य में उनकी सरकार है, रोड इतने अच्छे बनवाए उन्होंने, लता मंगेशकर चौक को आप देख सकते हैं। आपकी उम्र है उससे ज्यादा आपको राजनीति ये सब हमें सिखाती हैं मम, और ये भी आप देख सकते हैं कि आज जो बदलाव अयोध्या में हो रहे हैं वो अगर सपा की सरकार रहती तो कभी नहीं हो पाता। सपा की भी मैं आपको रणनीति बताता हूँ एक तरह से कविता के लिए। आप सुनिए, विपक्ष का आपने सुना समाजवादी पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है इस वक्त, ऐसे में शिवांश हमें समाजवादी पार्टी पर भी कुछ सुनाने जा रहे हैं। जी, सैफई नकारते थे राम को, सवारते थे सैफई नकारते थे राम को, तुच्छ ही बता रहे थे जो अयोध्या धाम को, कार सेवकों पे वो चला रहे थे गोलियां, कार सेवकों पे वो चला रहे थे गोलियां, लूट लेंगी देश को समाजवादी पार्टियां, लूट लेंगी देश को समाजवादी पार्टियां। बिल्कुल, अब समाजवादी पार्टी को आपने जिस तरह से टारगेट किया है, ऐसे में मैं समझना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कुछ उनके लिए भी कविता बनाई है या सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए ही है? देखिए, जब 1992 में बाबरी विध्वंस किया गया था अयोध्या में, तो हमारे नाना जी भी उसके उसमें थे, तो इतनी हत्याएं की गई थी, मुलायम सिंह यादव जी की तरफ से गोली चलाई गई थी। आप एक तरफ आप सोचिए, मानिए एक तरफ विपक्ष, एक तरफ हत्यारे का बेटा बैठेगा और एक तरफ वो उन कार सेवकों का परिवार बैठेगा जिसने अपने जवान बेटे को खोया, जवान पिताजी को खोया, तो बताइए उनके ऊपर क्या बीतेगी। तो जल्दी से थोड़ा सा आप सुना दीजिए मोदी जी, योगी जी और बीजेपी पर भी, क्योंकि विपक्ष ने कह दिया। देखिए, हम यूपी के बारे में सुनाना चाहता हूँ। हम श्री राम का पुण्य धाम, संगम तट के शोभा ललाम, हम घाट बनारस वाले हैं, जहाँ मंदिर और शिवालय हैं, रज है मथुरा वृंदावन की। अद्भुत दृश्य है यूपी का। और शिवांश, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मुझे कविताओं को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन पर इंडिया पर जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण और कविताएं सुनाने के लिए। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।